आई एम सॉरी, किस बात पर? क्या वो मैं समझी कि समझी तुम? कि मैं नाटक कर रहा हूं तुमसे मोहब्बत का, वो भी खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? हनूर, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी गैर खानदानी हरकत कर सकता हूं तुम्हारे साथ? क्या किसी भी लड़की के साथ? हाथ शनाम प्लीज हटाओ अपना, क्यों? क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करती हो। अच्छा तो फिर जाओ ना, बब्बी से शादी कर लो जाकर, बर्दाश्त कर लोगी? जमीन में गाड़ दूंगी। क्यों, तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? मोहब्बत में पोजेसिव होने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? पहले ये तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें मोहब्बत है भी या नहीं। तो क्या मैं ऐसे ही कल से पागल हो रही हूँ? इतनी मिन्नतें करके मैंने अब्बा मियाँ को तुम्हारे घर पे भेजा क्योंकि तुम्हारा फोन बंद था, और रात में भी तुम्हारे कमरे में आई थी अपने जान हथेली पर रखकर। अच्छा, और और तुम्हें पता है बी अम्मा हमारे घर नाराज होकर आई हैं। नाराज होकर? जी, क्योंकि वो तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात कर रही थी और आपकी अम्मी और प्यारी भाभी ने उनकी इंसल्ट कर दी। पर भाभी तो कह रही थी कि वो वैसे गई थी तुम्हारे घर। झूठ बोल रही हैं वो, इसलिए तो आनन फानन तुम्हारी किसी भी एक्स वाई जेड से शादी करवाना चाहती हैं। क्या यार, बर्थडे ही खराब कर दी सबने मिलके। तुम्हारी बर्थडे है आज? जी, तुम्हें लड़ने से फुर्सत मिले तब सोचोगी ना। हैप्पी बर्थडे असली। तुम्हें ये सही है, साडा सा सुखा के रखो और अपना काम चुक के रखो। ख्याल आ गया तुझे प्यो की आदत करने का? थोड़ा तहम्मुल से बेटा। ना भी अम्मा, क्या तहम्मुल से है, इन्हीं के खानदान के पिट से आपों की वजह से शजी साहब की यह हाल होगी, बेचारे दिल के मरीज हो गए। अरे यार, तुम समझाओ ना अपनी बीवी को। गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है अब्बा? हाँ, अब इस गरीब मुल्ला की बांगे सुन सुन के ही तो पूरा शहर आ रहा है आदत करने के लिए, अब अपनी बेटी को ही देख लें। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, आराम से बैठ जाओ, बाप की आयादत तो कर लो आराम से। तन्नो, मेरी मेडिसिन लेकर, टाइम हो रहा है। हाँ जी, मुझे ही फाइल लगा के रखे हैं आप लोग सारे, और डालते रहे बांदरों के गले में हार। क्यों रोए जा रही? ठीक हो जाऊंगा मैं। मैं कल ही डॉक्टर मसूद से टाइम ले लूंगा बेटा, दिखा दूंगा अच्छी तरह, फिक्र नहीं करो। हाँ, वो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, खड़े खड़े 8-9 लाख का बिल बना देगा। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। ये तो हम इतने सारे पैसे का क्या करेंगे, हमने कब्र में लेकर जाना है क्या सब? कर लूंगा मैं, हो जाएगा। निधा, और करो इमोशनल ड्रामे, और भड़काओ बाबा को, देख लिया उसका अंजाम। मैंने क्या किया? तुम चाहती तो दोनों घरों को जोड़ के रख सकती थी, लेकिन तुमने तो हमेशा जलती पे तेल छिड़का। बाबा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उधर की बात इधर करती थी, सबको भड़काती थी, और बाबा ने उसी चीज का स्ट्रेस लिया है।